हम बात कर रहे हैं IRB इंफ्रा की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल स्टॉक छोटे मोटे अपसाइड के साथ हमको ट्रेड करता नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 68.02 रुपीज़ पर फिलहाल हमको ट्रेड होता नज़र आ रहा है। गिरावट आई थी स्टॉक में, 72 के लेवल से रिजेक्शन लिया था हमने, मेजर सपोर्ट के तौर पर 64 के लेवल को डिस्कस किया था। लेकिन एक दफ़ा चार्ट पैटर्न पर नज़र डालो दोस्तों और समझने की कोशिश करो इसके चाल को कि स्टॉक पैटर्न क्या, चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, स्टॉक हमसे क्या कहना चाहता है। देखिए, एक जंप आया था, गिरावट आई तो इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, अगेन जंप पर हाई ब्रेकआउट हुआ, इस जंप के बाद रिजेक्शन लिया तो इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया। 66 के सपोर्ट से स्टॉक बाउंस बैक होता नज़र आ रहा है और इस बाउंस बैक के साथ कहाँ से रिजेक्शन दिखा रहा है, 70 का लेवल। आपको याद होगा इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि लगातार तेज़ी के लिए स्टॉक को 70 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। स्टॉक ने ब्रेकआउट तो दिखाया 70 का, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, अगेन सेम लेवल से स्टॉक रिजेक्शन लेता नज़र आ रहा है। यहाँ से IRB हमको बड़ी तेज़ी दिखाता नज़र आ सकता है, इसके बड़े ऊपर के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ब्रोकरेज फर्म्स ने भी और इसके टारगेट ऊपर के दिए, तो यहाँ से इसमें रैली आ सकती है। किसी भी वक्त हमको इसमें बड़ा जंप, बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। तो जहाँ से सपोर्ट लिया है, 66 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट है और मेजर सपोर्ट रहेगा 64 का लेवल। जब तक 64 के ऊपर है अपसाइड के चांस स्टॉक में बने रहेंगे। 64 के लेवल का ब्रेकडाउन मतलब फिर बड़ी गिरावट दिखा सकता है। अब टारगेट की बात करें तो कहां से रिजेक्शन ले रहा है स्टॉक, 70 के लेवल से, और इसका इम्पोर्टेंट लेवल है मेजर रेजिस्टेंस है। इसका ब्रेकआउट करके स्टॉक 2-3 दिन सस्टेन हो गया, या 1-2 दिन भी होता है तब भी काफ़ी है, अगर 1-2 दिन भी सस्टेन हो गया 70 के ऊपर तब भी काफ़ी है, उसके बाद लगातार बड़ी तेज़ी स्टॉक हमको दिखा सकता है। अगला टारगेट 72 का लेवल, जहाँ से लास्ट दफ़ा जंप के साथ रिजेक्शन लिया था, उसको ब्रेकआउट कर गया तो 74, और फिर स्टॉक में हमको 80 से लेके 84 तक का जंप दिखा सकता है, फिर यहाँ तक के 84-85 तक के भी टारगेट स्टॉक में देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।